हाय एवरीवन, शुरू करते हैं आज प्लांट किंगडम को। प्लांट किंगडम में हम शुरू करेंगे एल्गी से। इससे पहले हमने फंजाई तक वीडियो में कवर कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। तो एल्गी के जनरल करेक्टरिस्टिक से शुरू करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है करेक्टरिस्टिक। एल्गी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, शुरू करते हैं। एल्गी की स्टडी जो होती है वो होती है फाइकोलॉजी। हम एल्गी की स्टडी को बोलते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमारा कौन होता है, एल्गी होती है। यानी कि हमारा जो मोस्टली फोटोसिंथेसिस हो जाता है वो एल्गी से हो जाता है। एल्गी क्या होती हैं, फोटोसिंथेटिक होती हैं। तो उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल वॉल जो होती है वो एल्गी की किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन की। इसको अभी याद कर लो कि जो एल्गी होती है उसकी सेल वॉल जो होती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। बॉडी की अगर हम बात करें कि जो एल्गी की बॉडी होती है वो थैलोइड होती है। अब थैलोइड से मतलब थैली लाइक होती है, यानी कि उसमें कुछ भी बिल्कुल प्रोमिनेंट तरीके से डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। यानी कि रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होती है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम अब्सेंट होते हैं। तो इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लो कि जो थैलोइड होती है, एल्गी की बॉडी थैलोइड है, वो अनडिफरेंशिएटेड है। यानी कि उसमें रूट, स्टेम और लीव्स कुछ भी नहीं है, नहीं वेस्कुलर टिश्यू है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम भी अब्सेंट है। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हमें पता है कि एल्गी जो है फोटोसिंथेटिक है, तो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। और प्रोड्यूस क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट करती है। जो एल्गी है अगर उसका एसोसिएशन विद फंजाई होगा तो हम उसको बोलते हैं लाइकिन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पहले वाली वीडियो में, तो फंजाई को पढ़ रहे थे। लेकिन एल्गी का अगर एसोसिएशन एनिमल्स के साथ है तो वो होता है स्लोथ बेयर। रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो एल्गी में तीन तरीके का रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव भी है, असेक्सुअल भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। वेजिटेटिव कैसे होता है हम याद रखेंगे, फ्रेगमेंटेशन से होता है। असेक्सुअल का बिल्कुल याद रखेंगे कि जू स्पोर से होता है। स्पोर ऐसे नहीं कि दिमाग में आए स्पोर और स्पोर से सेक्सुअल को हम वो कर दें, लेकिन नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। तो तीनों तरीके का एल्गी के अंदर जो है रिप्रोडक्शन होता है। अब गैमेट की बात करें तो एल्गी के अंदर तीन तरीके के गैमेट बनते हैं, बिल्कुल इस चीज़ को भी याद रखेंगे, आइसोगैमस, एनाइगोसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस किसके अंदर बनते हैं, हमारे क्लाइडोमोनास के अंदर बनते हैं, और एनाइसोगैमस और ऊगैमस वोल्वस और फंगस फकस के अंदर बनते हैं। अब सेक्स ऑर्गन की बात करें तो वन सेल जो होते हैं सेक्स ऑर्गन होते हैं, और ये चीज़ हम याद रखेंगे विदाउट एनी स्टराइल जैकेट। आगे आगे जैसे हम वीडियो में जाते जाएंगे तो हमें ये सारी टर्म जो है और अच्छे से क्लियर होती जाएगी। अभी आप इतना याद रखना कि सेक्स ऑर्गन जो है वो वन सेल होते हैं, विदाउट एनी स्टराइल जैकेट के प्रेजेंट होते हैं। कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता आफ्टर गैमेटिक फ्यूजन। जैसे ही गैमेट का फ्यूजन हो जाता है ना इसके अंदर, तो फिर कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है, ये लाइन हम याद रखेंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब एक बार जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो क्या है, स्पोरोफिटिक है, और एक बार जो है वो गैमेटोफिटिक है। यूनिसेलुलर अगर हम फॉर्म की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास होती है। याद रखेंगे कि यूनिसेलुलर कौन सी एल्गी के अंदर फॉर्म होती है, हमारी क्लेमाइडोमोनास के अंदर होती है। और कोलोनियल किसके अंदर होती है, वुलवॉक्स के अंदर होती है। और फिलामेंटस किसके अंदर होती है, यूलोथ्रिक्स के अंदर होती है। तो ये हम याद रखेंगे। अब कुछ साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। जो फादर ऑफ एल्गी बोला जाता है, फादर ऑफ एल्गी, हम उसको किसको बोलते हैं, फादर ऑफ एल्गी, फ्रिश को हम फादर ऑफ एल्गी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसने एल्गी को 11 क्लास में डिवाइड किया था और इसने एक बुक लिखी थी जिसमें इसने उसके बारे में लिखा था, यानी कि फाइलोजेनी, उसके इंटर रिलेशनशिप सब के बारे में बताया था। बुक का नाम था स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। ठीक है, उसके बाद इंडियन जो फाइकोलॉजी के फादर थे, यानी कि फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी थे, वो थे हमारे एम ओ पी लिंगर। ये वाला याद रखेंगे कि फादर जो हैं एल्गी के वो कौन हैं। मॉडर्न फाइकोलॉजी के जो थे वो थे हमारे विलियम हार्वे, और इसने जो डिवीजन की थी ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन। तो हमने तीन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा कि एक साइंटिस्ट हमारा फ्रिश था, दूसरा जो था हमारा एम ओ पी लिंगर था, और तीसरा जो था हमारा विलियम हार्वे था। यानी कि फादर ऑफ एल्गी हमारा कौन है, ई एफ फ्रिश है। उसके बाद हम अगले जो स्लाइड है उस पर चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये जनरल करेक्टर हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट।
देखो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री, फोर और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था, पहली बात हम साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, किसने दिया था, विट्टेकर ने फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। अब फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या आया हमारा, मोनेरा आया, प्रोटिस्टा आया, फंजाई आई, एनिमेली आई और प्लांटी आई। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं प्लांटे, और जो प्लांटे है उसको फर्दर डिवाइड किया गया किसके अंदर, एल्गे के अंदर, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। याद रखने का तरीका ऐसे हो सकता है कि ए ए बी, यानी कि ए बी सी डी पढ़ते हैं ना हम, ए और बी, पहले एल्गे आया फिर बी आया, यानी कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के सीक्वेंस में किसी किसी को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हम याद रखेंगे कि पहले एल्गी है, पहले फिर है ब्रायोफाइटा यानी कि बी। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको याद रहता ही है, अगर नहीं भी रहे तो ऐसे याद करा ना कि ए से ही शुरू होता है और ए से ही ख़त्म होता है, तो एल्गी शुरू में होती है और एंजियोस्पर्म जो होता है लास्ट में होता है, ये बी यानी कि ब्रायोफाइटा। प्लांटी यानी कि कितने पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो हमारा प्लांट सिस्टम है ये आगे तीन बेस पे डिवाइड कर दिया गया। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है कि जो हमारा प्लांटी है वो तीन जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया। पहला हुआ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा है आर्टिफिशियल और तीसरा है फाइलोजेनेटिक। नाम से पता चलता है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि कुछ नेचुरल बेसिस पे ही क्लासिफाई किया होगा। इनके जो साइंटिस्ट हैं इन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के साइंटिस्ट हमारे कौन थे, यानी कि किसने दिया था, जॉर्ज बैंथम और डाल्टन हुकर ने दिया था। नेचुरल किसने दिया हमारा, जॉर्ज बैंथम और डाल्टन हुकर ने दिया। इसने क्या किया, जो क्लासिफिकेशन किया वो नेचुरल एफिनिटी के बेस पे किया, यानी कि इसने क्या किया, बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फीचर्स को लेके काम किया। एक्सटर्नल मतलब मॉर्फोलॉजी के बेस पे, बाहर से कोई चीज़ कैसे दिखती है, इंटरनल मतलब एनाटमी के बेस पे। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आए कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो मॉर्फोलॉजी के बेस पे था या अनाटमी के बेस पे था, तो वो मॉर्फोलॉजी अनाटमी दोनों के बेस पे था, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो फीचर्स होते हैं दोनों के बेसिस पे जो है इसको उसने क्लासिफाई किया था, यानी कि स्ट्रक्चर, अनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सब कुछ उसने इसमें डिफाइन किया था। ये नहीं था कि सिर्फ एक चीज़ के बारे में डिफाइन कर दिया, नहीं, प्लांट की ओवरऑल स्टडी के बेसिस पे उसने इसको क्लासिफाई किया था, और इसको बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय जॉर्ज बैंथम एंड डॉल्टन हुकर। नेक्स्ट हम चलते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का नाम से ही पता चल रहा है कि आर्टिफिशियल बेस पे इसकी जो है क्लासिफिकेशन की गई थी। साइंटिस्ट थे हमारे लीनियस। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के साइंटिस्ट कौन थे, लीनियस थे। अब उसने क्या किया, मोर्फोलॉजी के करेक्टर पे कर दिया। इसमें क्या था हमारा, मोर्फोलॉजी यानी कि बाहरी तौर पर, और जो है एनाटमी यानी कि अंदरूनी तौर पर, इंटरनल दोनों पे हुआ था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोर्फोलॉजी के बेस पे किया था। तो याद रखेंगे कि जो आर्टिफिशियल था वो मोर्फोलॉजी के बेस पे था, जैसे कि हैबिटेट हो गया, कलर हो गया, नंबर हो गया, शेप और लिप्स, यानी कि जो सिर्फ बाहर से देखने में जो चीज़ें दिख रही थी उसके बेस पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कर दिया था। बेस्ड ऑन एंड्रोशियम करेक्टर के बेस पे कर दिया था। इसमें एक बहुत बड़ी जो चीज़ इसने किया था, इसका जो ड्रॉबैक था वो यही था कि इसने वेजिटेटिव और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है ना उसको इक्वल इम्पोर्टेंस दे दी थी, लेकिन वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इक्वल इम्पोर्टेंस जो है वो कभी भी नहीं हो सकती। तो आर्टिफिशियल जो है वो किसने दिया हमारा, लीनियस ने दिया, उसने सिर्फ और सिर्फ मोर्फोलॉजी के बेस पे कर दिया। दूसरा एंड्रोसियम को उसने काउंट किया। तीसरा उसने वेजिटेटिव और सेक्सुअल करेक्टर जो है उसके बेस पे इसने क्लासिफाई कर दिया। थर्ड आता हमारा फाइलोजेनी। फाइलोजेनी में क्या है, जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे इकलर, ऑगस्ट डब्ल्यू इकलर ने हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। लेकिन जब इस साइंटिस्ट की डेथ हो गई थी तो इसका काम, इसके बाद इसके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने फर्दर इसके काम को शुरू किया, तो उनका नाम था इंगलर और प्रेंट।
कभी कभी क्वेश्चन में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन तब पूछते हैं तो इकलर की जगह इंगलर और प्रेंटल का नाम दे दिया जाता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना। अगर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा है और साइंटिस्ट का ऑप्शन इकलर है तो वी विल गो विद इकलर, और अगर इकलर नहीं है, इंगलर और प्रेंटल का नाम दे रखा है, तो हम इस ऑप्शन को टिक करके आएंगे। जो इकलर थे वो क्या थे? फर्स्ट टेक्सोनोमिस्ट, टू सेपरेट फेनेरोग्राम्स। ये फेनेरोग्राम क्या है, ये नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी आपको उसमें पता चल जाएगा। तो वो फर्स्ट टेक्सोनोमिस्ट थे जिसने क्या किया था, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को सेपरेट कर दिया था। किसके बेस पे? फेनेरोगैमी के बेस पे। तो अगर क्वेश्चन आए कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को फेनेरोगैमी के बेस पे किसने जो है वो सेपरेट किया था, तो वो हमारे फर्स्ट टेक्सोनोमिस्ट थे ऑगस्ट डब्ल्यू इकलर। क्वेश्चन में अगर ऐसे आए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो ऑगस्ट डब्ल्यू इकलर। और इसके जो ये स्टूडेंट है इसका भी नाम हम याद करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया। फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? विटेकर ने दिया। फाइव किंगडम में कौन आया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई तक हमने पढ़ लिया है पहले वाली वीडियो में। प्लांटी को अब हम कर रहे हैं, और प्लांटी को फर्दर डिवाइड किसमें किया जा रहा है? एल्गी के अंदर, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जो ये प्लांटी है ये तीन बेस पे डिवाइड की गई, नेचुरल बेस पे की गई, आर्टिफिशियल बेस पे की गई और फाइलोजेनेटिक बेस पे की गई। नेचुरल पे किसने की गई? जॉर्ज और बेंथम ने की, यानी कि डाल्टन हुकर और बेंथम और हुकर ने की। आर्टिफिशियल पे लीनियस ने की। फाइलोजेनेटिक में हम जो है इस मेन साइंटिस्ट का नाम भी याद रखेंगे और उसके स्टूडेंट का भी नाम याद रखेंगे। जो नेचुरल थी उसने सब कुछ, हर चीज़ बाहर से लेके अंदर तक लेके हर चीज़ के बारे में जो है वो स्टडी की थी, लेकिन इसने मॉर्फोलॉजी के बेस पे स्टडी की थी और इसने जो है फाइलोजेनी रिलेशनशिप के बारे में जो है स्टडी की थी। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? इकलर ने दिया। ठीक है, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव कॉमन स्ट्रक्चर एंसेस्टर, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म एक टैक्सा से बिलोंग करते हैं उनके पास क्या होते हैं? कॉमन एंसेस्टर होते हैं। इसने क्या किया, फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन था वो डिवाइड कर दिया। यानी कि जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि जो स्टडी की गई है एक में की गई कि एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर के ऊपर की गई। जो आर्टिफिशियल था उसमें क्या था कि हमारा मॉर्फोलॉजी के बेस पे हुआ। तो इसमें जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था इसमें हमने ये तो पढ़ा कि जो साइंटिस्ट है इस साइंटिस्ट ने किया, लेकिन इस पे हमें अभी पूरे रूप से ये बात नहीं करी कि किस बेसिस पे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हुआ। तो जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हुआ वो न्यूमेरिकल टैक्सोनोमी, साइटोटैक्सोनोमी और कीमोटैक्सोनोमी के बेस पे किया। न्यूमेरिकल टैक्सोनोमी में क्या होता है कि बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर कोड, यानी कि जो भी कैरेक्टर को हम ऑब्जर्व करें हैं नंबर के बेस पे, कोड के बेस पे, इक्वल कैरेक्टर गिवन सेम इम्पोर्टेंस। जिस ए मतलब इसमें हर जो कैरेक्टर थे उसको एक सेम इम्पोर्टेंस दी सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन के बेस पे, यानी कि न्यूमेरिकल जो डेटा था न्यूमेरिकल डेटा के बेस पे इस टैक्सोनोमी के बारे में बात हुई। साइटोटेक्सोनोमी में क्या हुआ था? साइटोटेक्सोनोमी में ये हुआ था कि क्रोमोसोम के बारे में बात की गई थी कि क्रोमोसोम का नंबर क्या है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है और क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है। और कीमोटेक्सोनोमी में नाम पता चलता है कि किसी केमिकल के बेस में, इसमें क्या हुआ था, इन दिस यूज ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, जो प्लांट के केमिकल कंस्टिट्यूएंट थे उन पे फोकस किया गया था और उसके बेस पे जो है क्लासिफिकेशन किया गया था। अब क्वेश्चन की रही बात, तो पहली पहली बात यही आएगी, जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम दिया था वो किसने दिया था? हमारा इकलर ने दिया था। किस किस बेस पे किया था? न्यूमेरिकल टैक्सोनोमी के बेस पे किया था, साइटोटैक्सोनोमी के बेस पे किया था, कीमोटैक्सोनोमी के बेस पे किया था। अब न्यूमेरिकल टैक्सोनोमी से पता चल गया कि न्यूमेरिकल डाटा बेस था। साइटो वर्ड को हम याद रखेंगे, साइटो जो होता है वो क्रोमोसोम से रिलेट होता है और कीमो जो होता है केमिकल से होता है। और ये एक PYQ भी है कि क्वेश्चन आया था कि स्टडी ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज, तो जो स्टडी होती है क्रोमोसोम की, यानी कि क्रोमोसोम के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको या तो साइटोलॉजी बोलते हैं
या साइटोटैक्सोनोमी बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने क्रोमोसोम की बात की तो एक क्वेश्चन और बन जाता है, जो PYQ तो नहीं है लेकिन हो सकता है आ जाए, जो क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए कौन सी डाई यूज होती है? तो एसिटोकैरामाइन जो है वो डाई यूज होती है। तो साइटो से कैरामाइन हम याद रख लेंगे CC, तो जो डाई यूज होती है क्रोमोसोम के लिए वो होती है हमारी एसिटोकैरामाइन। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, ये है PYQ एस्टेट के लिए। इसमें क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज ए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो किसने दिया था? हमारा इंग्लर और प्रेंटल ने, बिल्कुल नहीं। फाइलोजेनी दिया था, यानी कि ये इसके स्टूडेंट थे। फाइलोजेनेटिक दिया था, किसके स्टूडेंट थे? हमारे इक्लर के स्टूडेंट थे। बेंथम और हुकर ने जो है वो हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो इस वर्ड को याद रखेंगे हम साइटोटैक्सोनोमी को, कि साइटोटैक्सोनोमी जो होती है वो क्या होती है और साइटोटैक्सोनोमी के लिए हम कौन सी डाई यूज करते हैं, और इन साइंटिस्ट का नाम जो है हम याद रखेंगे। अब चलते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट उस पे पेज पे देखो, जो प्लांट किंगडम है हमें पता चल गया कि डिवाइड है किसमें, एल्गी के अंदर, ब्रायोफाइटा के अंदर, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। प्लांट किंगडम है तो इसका मतलब एल्गी भी प्लांट है, ब्रायोफाइट भी प्लांट है, टेरिडोफाइट भी प्लांट है, जिम्नोस्पर्म भी प्लांट है और एंजियोस्पर्म भी प्लांट है। अब इनकी प्लांट बॉडी की बात करें तो बॉडी कैसी होती है? जो एल्गी की बॉडी होती है वो हैप्लोइड होती है, एनसी हैप्लोइड। ब्रायोफाइट की भी हैप्लोइड होती है, लेकिन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बॉडी जो है वो डिप्लोइड होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से प्लांट की बॉडी कौन सी होती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम जो है वो ये किसने दिया? इक्लर ने। वही बात कि इक्लर ने क्या किया था कि फेनेरोगैम और क्रिप्टोगैमस के बीच पे इक्लर ने ही डिवाइड किया था। तो अगर पूछा जाए कि फेनेरोगैमस और क्रिप्टोगैमस के बीच पे किसने डिवाइड किया था, तो वो किया था हमारे इक्लर ने डिवाइड किया था। देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पेज पे वो ये है, क्रिप्टोगैमस के बारे में हम याद रखेंगे कि प्लांट, वो प्लांट जिसके अंदर जो है सीड नहीं होता, और फेनेरोगैमस में हम रखेंगे याद कि जो सीड बियरिंग प्लांट होते हैं उनको हम याद रखेंगे। अब याद रखने का तरीका हो सकता है, देखो कोई इंसान है वो बहुत क्रिप्ट है, यानी कि क्रिप्ट मतलब बहुत क्रिप्ट है, तो उसमें क्या है, इंसानियत नाम का बीज नहीं है। ऐसे ही बोलते हैं ना कि तो बहुत क्रिप्ट है, धोखेबाज है और क्रिप्ट इंसान है, तो इसमें क्या है, इंसानियत नाम का बीज नहीं है। तो ऐसे हम याद रख लेंगे कि क्रिप्टोगैमस के अंदर जो है वो बीज नहीं होता, और फेनेरोगैमस यानी कि इसके तो बहुत सारे फैन हैं। फैन किसके होते हैं? जिसमें इंसानियत होती है, यानी कि बीज होता है, तो इसमें क्या है, बीज है। सीड बियरिंग प्लांट को हम फेनेरोगैमस बोलते हैं। अब दूसरी बात याद रखने के लिए ये होगी हमारी कि क्रिप्टोगैमस के अंदर कौन कौन आता है और फेनेरोगैमस के अंदर कौन कौन आता है। तो क्रिप्टोगैमस के अंदर हमारे आते हैं थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, और फेनेरोगैमस के अंदर हमारे आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। थैलोफाइट में अब आता है कि थैलोफाइट के अंडर कौन कौन आते हैं। देखो हमने जनरल करेक्टर में पढ़ा था कि एल्गी की बॉडी जो होती है वो थैलस लाइक होती है। थैलस मतलब वहाँ पे रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीव्स नहीं है, यानी कि कुछ भी अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, यानी कि बॉडी जो वो अनडिफ्रेंशिएटेड है। तो थैलोफाइट में एल्गी के साथ साथ फंजाई भी थैलोफाइट होती है, लाइकिन भी होती है, सीजोफाइटा जो है एक बैक्टीरिया की क्लास में आता है, सीजोफाइटा भी थैलोफाइट होते हैं। ब्रायोफाइटा में हम किसको पढ़ते हैं? मोसिज को पढ़ते हैं, लीवर वोर्ट को पढ़ते हैं, हॉर्न वोर्ट को पढ़ते हैं। आई होप दो तो याद हो जाएंगे कि लीवर वोर्ट और हॉर्न वोर्ट। कन्फ्यूजन जो आता है वो ये आता है, टेरिडोफाइटा में फन आते हैं या मोसिज आते हैं। तो किसी तरीके से याद कर लेना कि टेरिडोफाइटा में फन आते हैं और ब्रायोफाइटा में मोसिज आते हैं। दूसरा जो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ये तो हो गया कि क्रिप्टोगेमस, ये तो हमें बिल्कुल याद हो गया कि क्रिप्टोगेमस जो होते हैं विदाउट सीड के होते हैं। क्रिप्टोगेमस में तीन आते हैं हमारे, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। ठीक है, थैलोफाइट के अंदर आ गए हमारे एल्गी, फंजाई, लाइकिन और बैक्टीरिया। जो हमारे थैलोफाइट और ब्रायोफाइट होते हैं ये क्या होते हैं, थैलो, देखो थैली, ऐसे याद रखो कि थैली भर के, ये क्या करते हैं, थैली भर के पानी रखते हैं, यानी कि इनके पास क्या है, जाइलम और फ्लोएम जो है वो अब्सेंट होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इस पेज पे दुनिया भर के क्वेश्चन बन जाएंगे।
जो थैलोफाइट और ब्रायोफाइट होता है विथ थैली भर के पानी रखते हैं, यानी कि इनके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, जाइलम और फ्लोएम अब्सेंट होते हैं। जो हमारा टेरिडोफाइटा है उसने क्या किया है, पूरे टायर लगा लगा के पानी भरा है, यानी कि इसके पास क्या है, अपने वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो वेस्कुलर टिश्यू आए वो किसके अंदर आए, हमारे टेरिडोफाइटा के अंदर फर्स्ट टाइम हमारे वेस्कुलर टिश्यू आए, यानी कि जाइलम और फ्लोएम किसके अंदर आए, टेरिडोफाइटा के अंदर आए, या ऐसे कह लो फंड्स के अंदर आए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट टाइम जो है वेस्कुलर टिश्यू किसके अंदर आए। नेक्स्ट चलते हैं फेनेरोग्राम। फेनेरोग्राम से याद हो गया कि इसके बहुत सारे फैन हैं, यानी कि इसमें इंसानियत है, इंसानियत का बीज है, ये सीड बियरिंग प्लांट है। अब फेनेरोग्राम में हैं हमारे दो, यानी कि जो एडवांस टाइप के जो प्लांट होते हैं वो फेनेरो के अंदर होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में हमारे क्या क्या आते हैं, पाइनस आता है, साइकस आता है और ओराकिया आता है। एंजियोस्पर्म में हमारे जो बिल्कुल एडवांस्ड हैं मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन, तो ये तो याद हो ही जाएगा एंजियोस्पर्म का तो मोनो और डाई। जिम्नोस्पर्म का सबको लगभग याद रहता ही है पाइनस और साइकस, और ये एरोक्रिया भी याद रख लेना। इसमें दूसरी बात याद रखने की ये है, देखो बी सीड तो इनके अंदर है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें सीड जो होता है नेकेड होता है, और इसमें जो सीड होता है वो इनसाइड द ओवरी होता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आ जाता है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके अंदर किस टाइप का सीड होता है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है, नेक्ट सीड होता है, और एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड होता है वो ओवरी के अंदर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो इस पेज पर डिस्कशन हुआ है इसको प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, वीडियो को बार बार देख लेना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक्चुअल में तो हर पेज पे जो है आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक, रिलायबल और एग्जाम ओरिएंटेड दी जाएगी, अगर आप पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से और पूरी वीडियो की एक एक बात को बहुत अच्छे से सुनते हो और समझते हो, सीखते हो, याद रखते हो, तो मैं गारंटी देती हूँ आपकी हर एग्ज़ाम में ना बहुत ज़्यादा हेल्प होएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो हम शुरू करते हैं अब क्रिप्टोगैमस, यानी कि थैलोफाइटा। ठीक है, यानी कि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो सीड नहीं होता, क्रिप्टोगैमस के अंदर क्या क्या आता, हमारा एल्गी आती है, ब्रायोफाइटा आते हैं, टेरिडोफाइटा आते हैं। हम तो शुरू करते हैं अपनी एल्गी से। एल्गी की बॉडी क्या होती है, थैलोफाइटा, यानी कि एल्गी क्या है, थैलोफाइटा होती है। सेल वाल किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की। एल्गी क्या है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम हमारा कौन होता है, एल्गी होता है। एल्गी में क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा कि क्या नहीं होता, कोई भी कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होता, कोई भी कंडक्टिंग टिश्यू जो होता है वो एल्गी के अंदर नहीं है, जैसे जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद जो एल्गी की स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं फाइकोलॉजी, और जो स्टडी ऑफ फंजाई होती है उसको हम बोलते हैं माइकोलॉजी। एल्गी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, एल्गी ऑटोट्रोफिक होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। ये हो गई बेसिक बात। याद रखने की बात ये होती है कि एल्गी जो है वो थैलोफाइटा होता है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि रूट, स्टेम और लीव कुछ भी नहीं है। दूसरा जो होता है, इसमें कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होते। तो ये जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऑप्शन में आपको मिल जाएंगी, उसकी वॉल के बारे में याद रखेंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ विटेकर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो एल्गी होती है वो तीन पार्ट में डिवाइड की गई। कौन से तीन पार्ट में डिवाइड की गई, हमें क्लोरोफाइसी, फीकोफाइसी और रोडोफाइसी। अब यहाँ से भी दुनिया भर के क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लोरोफाइसी क्या होती है, क्लोरोवर्ड से ही नाम पता चल गया कि कुछ क्लोरोफिल की बात हुई है, तो कुछ ग्रीन तो बात होगी। तो क्लोरोफाइसी जो होती है वो ग्रीन एल्गी होती है। ठीक है, फीकोफाइसी थोड़ी फीके रंग की है, तो थोड़ा फीका रंग कौन सा होता है, ब्राउन होता है, तो इसको हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी। रोडोफाइसी यानी कि रोडो में रेड की साउंड आ रही है, तो मतलब रेड एल्गी। ठीक है, नाम याद हो गया, क्लोरोफाइसी, फीकोफाइसी और रोडोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी होती है उसमें हमने बात कर लिया कि ग्रीन एल्गी है। अब ग्रीन एल्गी है तो ऑब्वियसली बात है कि क्लोरोप्लास्ट भी होगा। तो ग्रीन एल्गी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो होता है कप शेप का। ठीक है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस शेप का जो क्लोरोप्लास्ट मिलता है वो मिलता है कप। और जो स्पाइरोगायरा होती है, यानी कि क्लोरोफाइसी के जो एग्जांपल है वो स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स,
तो इसमें क्लोरोफाइसी में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। इन जनरल जो मिलता है ग्रीन एल्गी में वो मिलता है कप शेप, लेकिन स्पायरोगायरा का जो होता है नाम से ही है, नाम जैसा ही इसका क्लोरोप्लास्ट होता है स्पायरल, और यूलोथ्रिक्स का जो होता है कोलर शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये क्वेश्चन आया था, पता नहीं आया तो था, कप शेप स्ट्रक्चर जो है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, हमारा ग्रीन एल्गी में होता है, तो इसको याद कर लेना। दूसरी बात आती है पिगमेंट की बात। देखो क्लोरोफिल ए और बी होता है, कैरोटीनॉइड होता है और जैंथोफिल होता है, ये इसके पिगमेंट होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है फूड मटेरियल, जो फूड होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में होता है, स्टार मार्क कर लो, ये इम्पोर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट तो खैर सारा ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो होता है इसके अंदर जो होती हैं स्टोरेज बॉडी होती हैं, जो हमारी क्लोरोफाइसी होती है उसके अंदर होती हैं स्टोरेज बॉडी, और जो स्टोरेज बॉडी होती हैं वो उसका नाम क्या होता है, पाइरिनोइड। और ये पाइरिनोइड हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और पाइरिनोइड क्या होती हैं, कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, यानी कि पाइरिनोइड के अंदर क्या होते हैं, स्टार्च और प्रोटीन दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। ये भी एक PYQ है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि हमारी जो क्लोरोफाइसी है वो ग्रीन एल्गी होती है, उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट पड़ते हैं, उसके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, और एक पाइरिनोइड बॉडी को याद रखेंगे। फीकोफाइसिस बहुत फीकी है, यानी कि ब्राउन एल्गी है। एग्जाम्पल जो होते हैं फक्कस और सार्गेसम, यानी कि इन सब के एग्जाम्पल भी हम याद रखेंगे। जो इनकी सेल वॉल होती है, यानी कि सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, और वो कवर्ड होती है एक कवरिंग्स को, जिसको हम बोलते हैं एल्जिन। याद रखेंगे कि जो फीकोफाइसिस होती है उसमें जो स्पोर होते हैं, जो स्पोर होते हैं वो बाई फ्लैजिलेट होते हैं। क्लोरोफिल ए सी होता है, देखो क्लोरोफिल ए बी जो है हमारी ग्रीन में था, इसमें क्लोरोफिल ए सी है, बीटा कैरोटीन है, फ्यूकोजेंथिन है और फ्लेवोजेंथिन है। फूड स्टोरेज में किसकी फॉर्म में होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, और कार्बोहाइड्रेट भी कौन से, लैमिनेरियन और मैनिनटोल। ये बिल्कुल याद रखेंगे कि लैमिनेरियन और मैनिनटोल की फॉर्म में जो होता है फूड स्टोर होता है। इसकी बॉडी जो है वो डिवाइड कर रखी है तीन पार्ट में, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फोंड में जो है इसकी बॉडी डिवाइड हो रखी होती है। फ्लैजिला जो होते हैं दो होते हैं, अनइक्वल होते हैं, लैटरल होते हैं, इसमें भी दो फ्लैजिला होते हैं लेकिन इक्वल होते हैं। रोडोफाइसिस में क्या होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते, रेड एल्गी होती है। एग्जाम्पल जो होते हैं पोलिसिफोनिया और पोरफायरा होते हैं। जो ये एल्गी है इसकी जो थैली होती है, यानी कि इसकी बॉडी है, वो मल्टी सेलुलर होती है। इसके पिगमेंट को समहाउ आप याद कर लेना, क्लोरोफिल ए डी, फाइकोइराथिन, कैरेटिनोइड, फाइकोसाइनिन और एलोसाइनिन होते हैं। जो फूड स्टार्च स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में जो है फूड स्टोर्च होता है, यानी कि विच इज सिमिलर टू एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन। हाँ, इसको भी दिमाग में रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन सब के बारे में कि फूड जो होता है वो स्टोर किस फॉर्म में होता है। अब फूड स्टोर का तो याद हो गया किस फॉर्म में होता है, लेकिन इसमें देख थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो इसका फूड है वो किससे सिमिलर है, एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से सिमिलर है, और इसमें जो है वो क्या है, पाइरिनोइड बॉडी है। तो जो ये मेन मेन चीज़ है उनको बिल्कुल याद रखना, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर। हैबिटेट के बेसिस पे जो है क्लासिफाई किया गया था एल्गीज को, तो हेलोफाइट के बारे में बात करेंगे। हेलोफाइट वो होते हैं जो साल्ट एरिया में रहते हैं। एग्जाम्पल हैं इसकी क्लैमाइडोमोनाज और स्टेपनोप्टेरा। थर्मोफाइट्स वो होती हैं जो हॉट स्प्रिंग में रहती हैं। एपीफाइटिक एल्गी वो होती हैं, यानी कि जो बिग एनिमल के ऊपर रहती है ना, बिग एनिमल के ऊपर अटैच होती हैं, लार्ज स्पीसीज के ऊपर अटैच होती हैं, उनको बोलते हैं एपीफाइटिक। और जो एपीजोइक होती हैं वो जैसे कि स्नेल हो गया, फिश हो गया, टोर्टोइज हो गया, इनके ऊपर रहती हैं। यानी कि एग्जाम्पल में याद रखेंगे क्लेडोफोरा। एंडोजोइक एल्गी कौन सी होती है, अक्करिन टिश्यू ऑफ एनिमल, एनिमल के अंदर जो होती है उनको बोलते हैं एंडोजोइक, और एग्जाम्पल होती है जू क्लोरेला, ठीक है। पैरासिटिक एल्गी कौन सी होती है, नाम से ही पता चलता है, ग्रो एज ए पैरासाइट ऑन मैनी प्लांट एंड एनिमल्स। इसके हम जो है एग्जाम्पल याद रखेंगे सिफेलोवर्स, वर्शेनिया और रेड रस्टिंग टी और कॉफी प्लांटेशन। अब जो है एक जो पाइरोनाइट स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे थे ग्रीन एल्गी की,
उस पे जो है PYQ आया था कि पाइरेनोइड जो होता है वो मेड अप होता है, तो ये बात तो होगी कि पाइरेनोइड जो है वो प्रोटीन और स्टार्च का बना होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया था कि पाइरेनोइड के अंदर जो स्टार्च बाहर की तरफ होता है या क्लोरोप्लास्ट बाहर की तरफ, सॉरी प्रोटीन बाहर की तरफ होता है, तो जो स्टार्च की सीथ जो होती है वो बाहर की साइड होती है और प्रोटीन जो है वो अंदर की तरफ होता है, तो प्रोटीन सेंटर में होता है और स्टार्च जो होती है सीथ बाहर की तरफ होती है। जो पाइरिनोइड होते हैं आर सेंटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, किसके लिए सेंटर फॉर द फॉर्मेशन होते हैं, यानी कि स्टार्च की फॉर्मेशन ही तो करते हैं, लिपिड नहीं होता, एंजाइम नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, स्टार्च की फॉर्मेशन करते हैं, तो इसको आप स्टार मार्क कर लो, याद रखना किसके अंदर होता है पाइरिनोइड, हमारा ग्रीन एल्गी के अंदर। बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म और साइज ऑफ एल्गी के बारे में, तो जो साइज होता है और डिफरेंट फॉर्म होती है दो होती है, एक मोटाइल है एक नॉन मोटाइल है, तो मोटाइल में याद रखेंगे कि मोटाइल कौन होती है, क्लेमाइडोमोनाज होती है, नॉन मोटाइल कौन होती है, क्लोरेला और स्पायरुलिना होती है। कोलोनियल की फॉर्म में याद रखेंगे कि वॉल्वॉक्स होती है, फिलामेंटस फॉर्म कौन सी होती है, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा होती है, यूनिसेलुलर फॉर्म क्लाइमोडोमोनाज होती है, और कुछ एल्गी जो है बहुत लंबी होती है जिसको हम बोलते हैं कैल्प्स। तो ये जो चीज़ है ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, यानी कि एग्ज़ाम के लिए तो हर एक चीज़, हर एक लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ लिया जाएगा, जितना भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो सारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन का हमें पता है कि एल्गी के अंदर हम बात कर चुके हैं कि तीन तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, कैसे वेजिटेटिव हो जाता है, दूसरा एसेक्सुअल होता है और तीसरा सेक्सुअल होता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, यानी कि फ्रेगमेंट होते हैं और फिर जो है वो रिप्रोडक्शन होता है। जो एल्गी होती है उसकी बॉडी हमने बात कर ली कि थैलस लाइक होती है, थैलस लाइक मतलब रूट स्टेम लीव्स कुछ भी नहीं होती, नहीं उसमें कोई भी वेस्कुलर टिश्यू होता है। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात आ जाए कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो एल्गी का कैसा होता है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो एल्गी का होगा वो हमारा होगा थैलस, यानी कि थैलस लाइक थैलस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है कि बात कर ली कि जूस पोर से होती है, जो ये जूस पोर होते हैं वो फ्लैजिला भी होते हैं उनमें और मोटाइल भी होते हैं, तो बिल्कुल हम याद रखेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो जूस पोर से होती है और जूस पोर जो होते हैं फ्लैजिलेट और मोटाइल होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके की होती है, आइसोगैमस भी होती है, एनआइसोगैमस भी होती है, ऊगैमस भी होती है। अभी आइसोगैमस मतलब नाम से ही पता चल रहा है, आइसो आइसो मतलब सेम, गैमी मतलब गैमिट, यानी कि मेल और फीमेल जो गैमिट होते हैं वो मोर्फोलॉजिकली अगर सिमिलर है तो आइसोगैमस बोला जाएगा, अगर मेल और फीमेल गैमिट जो होते हैं वो सिमिलर नहीं है तो उसको हम बोलते हैं एन आइसोगैमी। मैक्रोगैमिट होते हैं फीमेल और माइक्रोगैमिट जो होते हैं वो होते हैं मेल। ऊगैमी जो होती है उसमें फीमेल गैमिट लार्ज एंड नॉन मोटाइल होते हैं और मेल गैमिट जो होते हैं वो स्मॉल और जो है मोटाइल होते हैं, तो ये याद रखेंगे। ये भी पूछा जाता है कि मतलब जो ऊगैमी है, ऊगैमी में फीमेल गैमिट आर लार्ज या फीमेल गैमिट आर स्मॉल, नॉन मोटाइल, मोटाइल, तो ये जो टर्म है ना ये हर चीज़ जो है एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं दिख जाती है, कहीं ना कहीं पूछी जाती है। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि जो एल्गी की है वो क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। एल्गी जो है हमारी पोरफायरा, वल्वा, सार्गेसम, लेमिनेरिया, नोस्टक, ये जो है एज ए फूड सोर्स की तरह हमारी यूज होती है। जो क्लोरेला हमारी है वो रिच किस में होती है, प्रोटीन में रिच क्लोरेला होती है, ऐसे क्लोरेला को इसलिए जो है वो सप्लीमेंट की तरह लिया जाता है। तो कौन सी एल्गी है जिस सप्लीमेंट ली जाती है, हमारी क्लोरेला ली जाती है। सप्लीमेंट की तरह क्यों ली जाती है, क्योंकि प्रोटीन रिच होती है। दूसरा जो क्लोरेला होती है वो हमारी कौन सी एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है, जो फोटोसिंथेसिस का काम है। 50% ऑफ एल्गी जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होती है। आयोडीन मेकिंग के लिए हमारी कौन सी एल्गी यूज होगी, हमारी लेमिनेरिया होगी, हमारी फक्कस होगी, इक्लोनिया होगी। उसके बाद बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो नोस्टोक, एनाबीना और अजोला और कैल्प, कैल्प यानी कि जो सबसे लंबे वाली एल्गी है हमारी, तो देखो ये नोस्टोक, एनाबीना और अजोला ये तो हमें लगभग नाम याद होते ही हैं कि नोस्टोक, एनाबीना, अजोला ये कहाँ पे यूज होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनकी बात करते हैं। तो एज ए बायो फर्टिलाइजर की तरह कौन यूज हो रहा है, हमारा नोस्टोक, एनाबीना, अजोला और एक कैल्प याद रखना है। आयोडीन मेकिंग को समहाउ आप याद कर लेना कि लेमिनेरिया, फक्कस और जो है इकोलेनिया होती है। क्लोरेला कौन सी होती है, हमारी प्रोटीन, जो प्रोटीन से रिच होती है। अगर 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 हम जो जेल बनाते हैं उसमें हमारी कौन सी एल्गी होती है, जेल,
जेल में हमारी होती है रेड एल्गी यूज होती है, और रेड एल्गी में भी इसके दो नाम है, जेलेडियम और जो होती है ग्रेस हिलेरिया। देखो जेलेडियम में तो नाम में ऐसे जेली जेली सी आती है, यानी कि जेल बनाते हैं, अगार बनाते हैं, तो वहाँ से याद हो जाएगी जेलेडियम। और ग्रेस हिलेरिया यानी कि जी जी से जो थी जेल बनाने में काम आती है, ठीक है, सोलिडिफाई करने के लिए एजेंट को। कल्चर मीडिया में हम जो एल्गी यूज करते हैं वो कौन सी एल्गी यूज करते हैं, रेड एल्गी होती है, और रेड एल्गी का नाम याद कर लिया जेल या जी जी से, ठीक है। कैराजिनिन जो होती है ये भी एक रेड एल्गी होती है, ठीक है। ये कहाँ पे होती है, फार्मास्यूटिकल जो होती है वहाँ पे यूज होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होती है, लेदर में यूज होती है, ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज होती है। तो ये कैराजिनान जो होती है, जितना बड़ा इसका नाम है कैराजिनान, यानी कि बहुत सारे काम ये करती है ये रेड एल्गी, जो फार्मास्यूटिकल, इमल्सी, फायर क्लीनिंग। देखो एग्जैक्ट तो हो सकता है कि इतनी सारी एल्गी है आपको ना भी ध्यान रहे, बट जो मेन मेन जो है मोटी मोटे तरीके से इनको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, जो एग्ज़ाम आएगा उससे पहले भी एक दिन दो दिन पहले इसको रिवाइज कर लेना, दो चार बार रिवाइज करोगे तो वो दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा जो है ध्यान रह जाएगा और याद हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको ये याद नहीं हो सकती। मेडिसिन में भी ये रेड एल्गी यूज हुई, कौन सी नाम है, कोरालीना जो एल्गी होती है वो यूज होती है, जिसका ना जो है जो वोम का इन्फेक्शन होता है उसमें यूज होती है। तो देखो रेड एल्गी बहुत जगह यूज होगी, रेड एल्गी जो है जेल बनाने में यूज हुई, रेड एल्गी जो है वो दवाइयाँ बनाने में यूज हुई। एक बात याद रख लेना, जहाँ पे दवाई की बात आएगी ना वहाँ पे आप रेड एल्गी को टिक करके आ जाना, क्योंकि दवाई बनाने के बारे में लगभग और कोई भी एल्गी के बारे में बात नहीं हुई है। कल्चर मीडिया की बात होगी तो रेड एल्गी होगी, थोड़ा सा इनका नाम याद रख लेना। आयोडीन मेकिंग को कुछ किसी तरीके से याद कर लेना, बायो फर्टिलाइजर भी आपको याद हो जाएगा, और क्लोरेला भी सबको याद होती है, ये भी हो जाएगी। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या है, एंटीबायोटिक की तरह याद रख लेना कि कौन सी एल्गी जो है एंटीबायोटिक की तरह यूज होती है। तो हमारी एंटीबायोटिक की तरह क्लोरेला यूज होती है, उसमें क्या है हमारी क्लोरेलिन और जो होते हैं कोलेरपा जो होगी ये एक ग्रीन एल्गी होती है, वो कैसे यूज होती है, एंटीबायोटिक, यानी कि एंटीबायोटिक में हमारी कौन सी एल्गी यूज हुई, ग्रीन एल्गी, और ग्रीन एल्गी में हमारी कौन सी हुई, क्लोरिन और कोलेरपा। स्पेस में जो स्पेस में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट में जाते हैं, वो कौन सी एल्गी को जो एज ए फूड या एज ए ऑक्सीजन सोर्स की तरह लेके जाते हैं, क्लोरेला और सिनकोकस। मोस्टली क्लोरेला ही पूछी जाती है, लेकिन सिनकोकस भी जो है वो यूज होती है, तो ये दोनों याद रख लेना हमारे, क्लोरेला और जो है सिनकोकस। और ये क्लोरेला के बारे में हमने अभी पढ़ा था जी, क्लोरेला जो है वो प्रोटीन रिच होती है, प्रोटीन रिच होती है, तो एज ए सप्लीमेंट कौन सी ली जाती है, क्लोरेला। तो ये क्लोरेला जो है वो स्पेस वाले यानी कि एस्ट्रोनॉट या स्पेस यात्रा वाले उसको एज ए फूड की तरह यूज करते हैं, प्रोटीन रिच होती है, सप्लीमेंट की तरह यूज होती है, यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो है वो एक इम्पोर्टेंट एल्गी है, याद रखना कि क्लोरेला के बहुत सारे काम है, स्पेस और एस्ट्रोनॉट भी यूज करते हैं, सप्लीमेंट की तरह यूज की जाती है, प्रोटीन में जो है रिच होती है। एल्जीनिक एसिड जो होता है ये क्या होती है, एक ब्राउन एल्गी होती है, जो फार्मास्यूटिकल में क्लिनिक एजेंट और लेदर और ब्रूइंग इंडस्ट्री में होती है। एक हमारी कौन सी थी, रेड एल्गी थी जो मैंने अभी बताई थी, उसका नाम था कैराजिनान, जो कैराजिनान थी उसके भी सेम काम थे, और जो है एक एल्जीनिक एसिड है उसके भी सेम नाम है। तो याद रख लेना कि दो एल्गी हमारे पास मिल गई हमें, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, जो कि एक जैसे काम कर रही है। एक दूसरा काम, जो ब्राउन एल्गी होती है उसके पास भी समहाउ कुछ जो है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, और वो कौन सी होती है, लैमिनेरिया और एस्कोफाइलम जो है उसके पास भी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मोस्टली एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी जो होती है इस ग्रीन एल्गी क्लोरिना के अंदर ही होती है। जो डुरविला है वो क्या होती है, वो वर्मी फ्यूज प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है। सीवेज डिस्पोजल में आप याद रख लेना कि सीवेज डिस्पोजल में ग्रीन एल्गी, यानी कि सीवेज को साफ करना होगा, तो वहाँ पे हमें कुछ ग्रीनरी लेके आनी है, सीवेज को हटा के कुछ ग्रीनरी लेके आनी है, ऐसे याद कर लेना। तो उसमें हमारी कौन सी एल्गी यूज होती है, हमारी ग्रीन एल्गी यूज होती है, और ग्रीन एल्गी में हमारी क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और सैंडेमोस और आर कंपोनेंट ऑफ सीवेज ऑक्सीडेशन टैंक विच प्रोवाइड एरोबिक कंडीशन फॉर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, यानी कि सीवेज में हम याद रखेंगे ग्रीन ग्रीन से कि जो हमारी एल्गी होती है वो हमारी ग्रीन एल्गी होती है। तो ये एक PYQ है, विच एल्गी इज ईटन बाय द स्पेस ट्रेवलर, स्पेस ट्रेवल कौन सी एल्गी खाती है हमारी, तो ये होगी हमारी क्लोरेला खाते हैं, या फिर जो है सिन
कोकस का भी नाम लिख सकते हैं। ये दो एल्गी होगी, वैसे मोस्टली क्लोरेला ही होती है। प्लांट नोट डिफ्रेंशिएटेड इंटू रूट में, स्टेम में और लीव्स में, तो हम उनको क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, जिम्नोस्पर्म तो बहुत एडवांस्ड प्लांट है। फेनेरोगैम, फेनेरोगैम तो हमारा जो फैन हो गए थे हम, यानी कि इसके अंदर तो सीड होता है, सीड बियरिंग होते हैं हमारे। थैलोफाइट, क्रिप्टोगैमस, तो जो थैलोफाइट होते हैं ना, थैलोफाइट उसके अंदर क्या होता है हमारा, जो हम क्रिप्टोगैमस के अंडर आता है थैलोफाइट बिल्कुल, लेकिन थैलोफाइट के अंदर हमारी क्या है, एल्गी थी, फंजाई थी, हमारा जो है बैक्टीरिया था, ये हमारी थैलोफाइट के अंदर जो है हमारे आ गए थे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, जो कि डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते। तो इसके अंदर एग्जांपल आएगा हमारा थैलोफाइट। अब आगे हम चलते हैं एल्गी की लाइफ साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एल्गी की लाइफ साइकिल। एल्गी में कौन सी लाइफ साइकिल होती है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही, एल्गी की बॉडी क्या बताई थी शुरू के पेज पे, एक जगह मैंने लिख रखा था एन, यानी कि हैप्लोइड। तो एल्गी में कौन सी लाइफ साइकिल होती है, हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल होती है। इसको याद रखो कि एल्गी में कौन सी लाइफ साइकिल होती है, हैप्लोंटिक। जो हम अब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे उसमें लाइफ साइकिल के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबकी लाइफ साइकिल के दो फेज होते हैं, अभी से याद रख लो कि चाहे एल्गी हो, चाहे हमारा ब्रायोफाइटा हो, चाहे टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबकी लाइफ में जो लाइफ साइकिल के दो फेज होते हैं, एक गैमेटोफिटिक फेज होता है, एक स्पोरोफिटिक फेज होता है। बड़े ध्यान से प्लीज़ इस चीज़ को सुनना कि जो लाइफ साइकिल होती है वो किस तरीके से होती है, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो गैमेटोफाइट जो लाइफ साइकिल होती है, गैमेटोफिटिक जो फेज होता है वो क्या होता है, एन, यानी गैमेट क्या होता है हमारा, हैप्लोइड होता है। और जो स्पोरोफाइट होता है वो होता है 2N, यानी कि डिप्लोइड। अगर किसी भी प्लांट की मेन बॉडी अगर गैमेटोफाइट है, एन है, तो वो प्रोड्यूस करेगी स्पोर 2N। एन से क्या प्रोड्यूस होएगा हमारा, 2N स्पोर प्रोड्यूस होएगा। लेकिन अगर किसी प्लांट की या एनिमल्स की जो प्लांट बॉडी 2N है, तो उससे प्रोड्यूस होगा हमारा गैमेट। देखो सीधी सी बात है, अगर N मेन प्लांट बॉडी है तो प्रोडक्शन हो रहा है 2N का, और जो अगर मेन प्लांट बॉडी 2N है तो प्रोडक्शन हो रहा है N का। यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है और यहाँ पे मिटोसिस हो जाती है। तो ये एक ऐसे सोच के चलो, एक जर्नल फॉर्मूला है आगे आने वाले सारे प्लांट के लिए, ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो, चाहे एनिमल हो, कुछ भी हो। तो हम शुरू करते हैं। देखो हमारे पास क्या है कि एल्गी की प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट, एक हमारे पास मेल अलगा है, एक फीमेल अलगा है, ठीक है। दोनों के अंदर क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा, मिटोसिस होएगी, मिटोसिस से क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा, बन गया जाइगोट। अब ये जाइगोट बनना, यानी कि 2N फॉर्म बनना, 2N का मतलब क्या हो गया, स्पोरोफिटिक, समझ में आया। मेन प्लांट बॉडी क्या थी हमारी, N, यानी कि गैमेटोफिटिक थी, इनके अंदर मिटोसिस हुई, N N के अंदर मिटोसिस होगी, मियोसिस तो नहीं कर सकते, N बाय 2 करके तो हम क्रोमोसोम नंबर को नहीं कर सकते, तो इनके अंदर क्या होगी, मिटोसिस होएगी और उससे 2N बन जाएगा, यानी कि जाइगोट क्या होता है हमारा, जाइगोट जो है वो 2N होता है। तो क्या बन गया, स्पोरोफिटिक बन गया। अभी स्पोरोफिटिक में मियोसिस होएगी और जैसे ही मियोसिस होएगी तो हमारे हैप्लोइड स्पोर जो हैं वो बन जाएंगे। अब ये स्पोर जो होते हैं डिस्पर्शल होएंगे और वापस से पानी के अंदर चले जाएंगे और फिर से जो है हमारी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट बन जाएगी और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। याद करने की बात क्या है, याद करने की बात यही है कि जो एल्गी की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है वो गैमेटोफाइट होगी। अगर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है तो जो प्रोड्यूस होगा वो स्पोर प्रोड्यूस होगा। स्पोर तो हैप्लोइड होते हैं, लेकिन ये जो जाइगोट से स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनी ये होती है हमारी 2N। अब क्या है कि क्वेश्चन आता है कि जो हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल है उसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग होता है कि हैप्लोइड और गैमेटोफाइट, यानी कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो हमारी N है। उसके बाद जो है स्पोरोफाइट इज फुली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट बिकॉज स्पोर इज टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी,
ये बिल्कुल ऑप्शन में आता है कि जो स्पोरोफाइट है वो एल्गी केस में गैमेटोफाइट पे डिपेंड करते हैं, या गैमेटोफाइट जो है वो स्पोर पे डिपेंड करते हैं। देखो एल्गी का हम ये याद रखेंगे कि एल्गी की मेन प्लांट बॉडी होती है एन, एन मतलब गैमेटोफाइट। तो जो ये स्पोर है ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है? गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी के अंदर। तो जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंड करता है गैमेटोफाइट के अंदर, यानी कि स्पोरोफाइट तो इनका बच्चा है, माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो माँ बाप है अथॉरिटी जो इनकी है वो गैमेटोफाइट है। तो जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट किस पर डिपेंड करता है? गैमेटोफाइट पे। तो जो है गैमेटोफाइट तो इंडिपेंडेंट फेज है। तो ये वाली बात याद रखेंगे कि एल्गी के केस में क्या है, स्पोरोफाइट जो है वो फुल्ली डिपेंड किस पे कर रहा है? हमारे गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि एल्गी के अंदर कौन सी मियोसिस होती है? एल्गी के अंदर होती है जाइगोटिक मियोसिस। अब इस जाइगोटिक मियोसिस से मतलब क्या हुआ? देखो मेन प्लांट बॉडी थी हमारी, यानी कि हमारे गैमेट थे, गैमेट के अंदर मिटोसिस हुआ, जाइगोट बना। अब जैसे ही ये जाइगोट बना, इस जाइगोट के अंदर क्या होगी? मियोसिस। और मियोसिस होके हमारे स्पोर बन गए। हमें क्या चाहिए थे? स्पोर चाहिए था, क्योंकि एल्गी के अंदर जो है रिप्रोडक्शन स्पोर से ही हो रहा। तो जो ये स्पोर बन गए। अब ये स्पोर कैसे बने? जाइगोट से डायरेक्ट स्पोर बने, जाइगोट में मियोसिस हुई और मियोसिस से बन गए स्पोर। तो इसलिए एल्गी में क्या हुई? जाइगोटिक मियोसिस हुई। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जाइगोटिक मियोसिस होती है, या कौन सी मियोसिस होती है, या गैमेटिक होती है, तो जाइगोटिक मियोसिस जो है वो एल्गी के अंदर होती है। इन नॉर्मल जो एल्गी की लाइफ साइकिल है वो क्या होगी? हैप्लोन्टिक। लेकिन आपको पता है कि बायो में एक्सेप्शन रहते हैं, तो एक्टोकार्पस जो होती है उसमें हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होता है, और फक्कस के अंदर डिप्लोन्टिक होता है। एक्टोकार्पस और फक्कस के अंदर, ये एक्टोकार्पस होती है उसमें हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक होता है, और फक्कस में डिप्लोन्टिक होता है। अब देखो फिर से जनरल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो अगर गैमेटोफाइट है, मेन प्लांट बॉडी अगर गैमेट है यानी कि एन है, तो गैमेट बन गया हमारे पास, स्पोरोफाइट बन गया, और स्पोर से जो है हमारा, स्पोरोफाइट से मियोसिस हुई और हमारा क्या बन गया? फिर से स्पोर और गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बना दी, यानी कि एन टू एन का प्रोसीजर चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। यही जो टर्म आती है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वर्ड्स का कोई भी मीनिंग नहीं है, सिर्फ यही मीनिंग है कि हर किसी की जो लाइफ साइकिल है उसमें एन और टू एन का फेज चलता रहता है। बेशक ह्यूमन बींग हो, उनके अंदर भी एन और टू एन का फेज जो है चलता रहता है। अब नेक्स्ट चीज है इंपॉर्टेंट, इन विच स्टेज ऑफ एल्गी फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, कौन से स्टेज में लेता है? गैमेटोफाइट स्टेज में फोटोसिंथेसिस होता है, या स्पोरोफाइट फेज में होता है? तो जो हमारा गैमेटोफाइट जो स्टेज होता है, क्योंकि ये मेन प्लांट बॉडी है, यहीं से स्पोरोफाइट को न्यूट्रिशन मिलता है, तो फोटोसिंथेसिस भी गैमेटोफाइट फेज में ही होता है। और ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं और ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो एल्गी की मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो एन होती है, यानी कि एल्गी के अंदर हैप्लोटिक लाइफ साइकिल होता है। एल्गी में क्या हो गया कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होगी, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में मिट्यूसिस हुई, जाइगोट हुआ, जाइगोट से स्पोर बना, जाइगोट से डायरेक्ट स्पोर बन गया, इसलिए कौन सी मियोसिस हुई? जाइगोटिक मियोसिस हुई। अब जो ये जो हमारा स्पोर बना है ये किस पर डिपेंड करता है? मेन प्लांट बॉडी पे, यानी कि गैमेटोफाइट पे, और फोटोसिंथेसिस भी कहाँ पे होता है? गैमेटोफाइट में। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, समझ में आया तो भी कमेंट सेक्शन में बताना, उससे मोटिवेशन मिलता है। और अपनी जो है अच्छे से तैयारी करो एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम आने वाला है। जो इतना भी मैंने आपको पढ़ाया वो सारा इम्पोर्टेंट है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में बता देना, उससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।